हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ए टू जेड आईटी सर्विसेज आज हम बात करने जा रहे हैं होम टैब के बारे में विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि हम कल देख चुके हैं थोड़ा सा हाफ ऑफ दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द अनदर हाफ ओके आज हम थोड़ा बहुत फर, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे इन शॉर्ट तो हम होम टैब आज कवर करने वाले हैं पूरा सारा कंप्लीट करेंगे और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सो so, चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या कवर करना है ठीक है लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा कि हमने यहाँ अलाइनमेंट तक यानी कि एंड सेंटर तक हमने कवर किया था हमने डिफरेंट सेल सेल साइज सेल एड्रेस फार्मूला बार और ये सब चीज़ें कवर की थी यहाँ पे ठीक आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ से नंबर से नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड सेल्स और इसमें से मैं सिर्फ एक चीज़ डिफाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगा दैट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्योंकि ये हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं या इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा ठीक है तो, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ से स्टार्ट करना है हमने नंबर से ठीक है इस रेबन से तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ आपको अगर आपने किसी भी रो में कोई स्टाइल अप्लाई करना है पूरे रो में करना है तो यहाँ पे आप जब प्लस ये जो एरो का बटन आता है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं ठीक है फॉन्ट साइज एंड और पूरे रो को अप्लाई हो जाएगा इसी तरह अगर आपने पूरे एक कॉलम को अप्लाई करना तो यहाँ पे जब एरो का जो कर्सर आता है डबल क्लिक करके यहाँ पे आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि हमने एक टेबल इसको मैं जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमने पूरा कोई जो सेल्स जो होती है इसका बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर सकते हो और ये एज ए टेबुलर फॉर्म में आ जाता है ठीक है तो क्या करने जा रहे हैं हम आज आज हमने पहले सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं एक डेटा सेल मतलब डेटा सेट में क्रिएट कर देता हूँ जैसे हमने कल देखा था यहाँ पे जैसे यहाँ पे वन है ठीक है अगर मैंने इसको सीधे आईडी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा एंड देन आई विल ड्रैग दिस डाउन ओके सॉरी तो यहाँ पे जब मैं इसको कर्सर को ले जाता हूँ बिल्कुल कॉर्नर में तो ब्लैक कलर का प्लस आता है एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल एंड देन आई विल ड्रैग इट डाउन ओके तो चलिए यहाँ तक मैं ड्रैग इसको कर देता हूँ तो 15 चीज़ें हैं हमारे पास हम एक uh, जो है uh, जो आइटम प्रोडक्ट्स है हमारे वो यहाँ पे लिखना चाहते हैं कीबोर्ड है माउस है ठीक है टेबल एंड uh, देन एल ए पी टी यू लैपटॉप एंड देन चेयर दैन माउस अगेन देन देन वट एवर मे एनी थिंग लाइक लैपटॉप टेबल ओके ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मैंने लाई है ठीक है इसको मैं सारे को अगर बोल्ड 16 कर देता हूँ तो ये सारे पे अप्लाई हो गया यहाँ पर तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो है अब इसका सेलिंग प्राइस मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे चलो कीबोर्ड हमने लाए हैं हंड्रड एंड देन वी हैव माउस दिस इज़ सेवेंटी देन वी हैव टेबल दैट इज़ ऑल्सो थ्री हंड्रेड देन वी हैव लैपटॉप दैट इज़ फोर हंड्रेड दैन वी सॉरी फोर हंड्रड नाट 20,000. थाउजेंड ठीक है चेयर जो हमने लाई है वो हमने फाइव हंड्रेड एंड माउस जो है वो हमने टू फिफ्टी एंड लैपटॉप टेबल जो है वो टू थाउजेंड तो ये मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ डिफरेंट सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे ला रहा हूँ ये मैं कॉपी करूँगा और सेल भी मैंने इसी में जो सेलिंग प्राइस है इसका वही वही मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ठीक है तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे हो गया सी यहाँ पर मैं इसको अलग से फिर से सिक्सटीन पर क्लिक करूँगा तो सारे को वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी पूरे कॉलम पे ये अप्लाई हो नहीं हुआ था सिर्फ एक सेल पे हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था ठीक है तो मैंने ये यह, यह फॉट स्टाइल थोड़ा बड़ा रखा है आपके विजिबिलिटी के लिए तो ये हो गया हमारा एक टेबल क्रिएट किया हमने अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन जो है वो कवर करेंगे ठीक है यहाँ पे जनरल है ठीक है तो नंबर यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या है इस नंबर जो सेल में डेटा है ना एक्चुअल में जो सेल में डेटा है उसका फॉर्मेट क्या है मतलब वो क्या चीज़ है वेदर इट इज़ ए नंबर इट इज़ ए करेंसी इट इज़ अकाउंट अकाउंटिंग नंबर है अकाउंटेंसी नंबर और समथिंग डेट टाइम एंड ऑल दट हर चीज़ के लिए आप कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पे अगर मैंने जनरल रखा है ना तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं जनरल मीनस एनी थिंग एनी थिंग यू कैन राइट हेयर जनरली हम जनरली रखते हैं अदरवाइज़ अगर आपका नंबर है तो नंबर रख सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस सेल को मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ देखिए आप जनरल में डायरेक्टली टू थाउजेंड आ गया अब अगर मैं नंबर करूँगा तो टू थाउजेंड पॉइंट जीरो जीरो आ गया तो नंबर का ये होल जो डेसीमल नंबर तो डेसीमल प्लेसेस भी देख लेगा ठीक है करेंसी देख तो आपका जो है रुपीज़ का साइन आएगा यहाँ पर ठीक है अगर करेंसी है तो शॉर्ट डेट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग में भी ये रुपीज़ का साइन आएगा कॉमा आएगा एंड विद दिस डेसिमल प्लेस एंड ऑल दैट फ्रैक्शन में देखेंगे ऐसे आएगा टू थाउजेंड डायरेक्टली ठीक है तो ये सब चीज़ें परसेंटेज अगर आएगा तो ऐसे टू थाउजेंड परसेंट तो यह सब चीज़ें आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं जनरली मैंने यहाँ पर जनरल ही रखा अभी इसी तरह यहाँ पर अगर आपने चेंज करना है वेदर इट्स ए डॉलर रुपीज़ इंग्लिश इंडिया अगर है तो रुपीज़ होगा इंग्लिश यूनाइट स्टेट डॉलर इो एंड डिफरेंट करेंसीज चाइनीज़ एंड ऑल दैट है मोर अकाउंटिंग फार्मेट सो दिस इज़ फॉर डॉलर एंड ऑल अकाउंटेंसी रिलेटेड अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट्स ओके तो परसेंट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसके साइड में परसेंट आएगा जो ये था ठीक है दिस इज परसेंट और यहाँ पे कॉमा मीनज टू के अगर टू थाउजेंड हम लिखते हैं आपने देखा होगा टू के टू के बाद आपको कॉमा आएगा फिर डबल जीरो एंड ऑल दैट वो चीज़ें यहाँ पे आ गई ठीक है तो इसको भी मैं कंट्रोल सेड करूंगा एंड देन वी हैव दिस दिस इंक्रीज डेसमल प्लेस अभी डेसिमल प्लेसेस कुछ भी नहीं है 2000 थाउजेंड डायरेक्टली लिखा है अगर मैं इंक्रीज करूंगा पॉइंट जीरो आएगा पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो 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 पॉइंट जीरो जितनी भी डेसिमल या डिक्रीज करना होगा तो डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नंबर पोर्शन यहां पे हमने देखा कि क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने नंबर रखना है क्या रखना है एंड ऑल दैट जज जब अभी मैंने जनरल रखा है यहाँ पे ठीक है तो होप ये आपको समझ आया होगा बहुत ही ईजी है आसान है यहाँ पे ठीक है ये वाला पोर्शन क्लियर चलते हैं आगे दैन वी हैव दिस फॉर्मैट एज टेबल वी हैव कंडीशनल फॉर्मेट इंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो ना वी हैव फॉर्मैट एज टेबल क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं वो जो uh, हम फार्मूलाज आज देखने वाले हैं आगे उनके साथ ही अप्लाई करेंगे हम उसको ताकि आपको समझ आ जाए ठीक है उसमें हम डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट करेंगे फिर उसके हिसाब से हम इसको सॉलू करेंगे फॉर्मेट एज टेबल मतलब क्या होता है देखो आपने वर्ड में भी देखा होगा टेबल के डिफरेंट स्टाइल होते हैं हमारे पास तो अगर आप इस टेबल को जो आपने ये डेटा क्रिएट किया है इसको एज ए टेबल डिफरेंट स्टाइल रखना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे ये है ओके okay, देखिए यहाँ पे आपका टेबल जो है उसी स्टाइल के हिसाब से क्रिएट हो गया यहाँ पे आपके और कॉलम का क्या हो गया कॉलम में ये ड्रॉप डाउन आ गया क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे कि फ़िल्टर करना है शॉर्ट करना है एंड ऑल दैट वो आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप ये डिज़ाइन अप्लाई करेंगे ठीक है तो वो कहाँ पे होता है फॉर्मेट फॉर्मेटाज टेबल कोई भी स्टाइल आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं लाइक दिस एंड यहाँ पे ओके सेल सेलेक्ट की आपने यहाँ पे ये यह वाला फॉर्मेट ये जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया ठीक है तो कोई भी आप डिज़ाइन फिर डिज़ाइन में आप चेंज कर सकते हैं कलर एंड ऑल दैट तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट एज टेबल एज ए टेबल बनेगा जितना भी आपका डेटा सेट होगा डेटा जो एक्सेल शीट में है वो एज ए टेबल आपको सिलेक्ट आपका सेलेक्ट होगा ठीक है दिस वाज दिस वाज ऑल अबाउट स्टाइलस अब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है ये भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखेंगे कि गुड क्या नॉर्मल देखो जैसे यहाँ पे मैंने किसी सेल को हाईलाइट करना है फॉर एग्जांपल ये जो 2000 सेल की है मैंने इसमें ये इसमें मुझे प्रॉफिट है ठीक है तो प्रॉफिट का मतलब अगर यहाँ पर मैं ये मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा लेकिन अभी मैं इसका जो जो यहाँ पर स्टाइल्स है वो अप्लाई करके दिखा देते हैं यहाँ पे अभी ट्वेंटी थाउजेंट है मीनस मेरे मैंने मैंने इसमें बहुत जो है प्रॉफिट कमाया है तो मैं इसको गुड कर कर सकता हूँ तो ये ट्वेंटी थाउज़ेंड ग्रीन हो गया अगर मुझे किसी में नुकसान हुआ है तो मैं इसको बैड कर देता हूँ अगर कोई नॉर्मल ही है तो न्यूट्रल या नॉर्मल है तो ये कर सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं तो ये चीज़ होती है कलर हर कलर का एक जैसे रेड इज ऑलवेज़ फॉर मतलब जो रेड या कलर होता है ना वो स्टॉप बैड इंडिकेट करता है वो ग्रीन ऑलवेज़ गुड करता है इंडिकेट हर सिंबल में ट्रैफिक लाइट्स एंड ऑल दैट में तो वही चीज यहां पे भी है ये स्टाइलिस में ठीक है ये हो गया यहां तक तो इसके साथ ही हमारा नंबर भी क्लियर हो गया और स्टाइलिस भी क्लियर हो गया अब है यहां पर इंसर्ट इंसर्ट क्या है इंसर्ट सेल्स करने अग, अगर आपने इंसर्ट करना है सेल्स को कहां पर सेल इंसर्ट करेंगे आप या फॉर एग्जाम्पल यहां पर अभी सेल सेलेक्टेड है इंसर्ट सेल्स शिफ्ट सेल्स डाउन या शिफ्ट सेल्स राइट या एक स्टेप राइट right जाएगी या एक साइड डाउन uh, जाएगी जैसे हमने टेबल में भी देखा था तो इससे क्या होता है कि आपका जो ये सेल है वो राइट साइड मूव की है जो जैसे हमने अभी किया है तो दिस इज़ जनरली दैट जो हम टेबल में इंसर्ट वग़ैरह करते थे जो हमने देखा था वर्ड में भी वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इंसर्ट सेल्स कहाँ से करना चाहते हैं या रो शीट रोज़ अगर आप इंसर्ट uh, करना चाहते हैं कहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके भी मिलेगी जैसे एट्थ रो के सेवंथ और एट्थ एट के बीच में मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ तो इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो एक और रो क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर ठीक है तो ये हमारा ये था इंसर्ट एंड देन डिलीट अगर आपने डिलीट सेल्स करना है डिफरेंट सेल्स या पूरा रोज आपने डिलीट करने पूरा कॉलम या पूरा शीट ही डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट आप कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इस रोको हो गया कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ पे भी आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट सेल्स तो जो जितनी भी सेल्स थी जो रो सिलेक्टेड था वो डिलीट हो गया हमारा ठीक है देन वी हैव फॉर्मेट फॉर्मेट मीनस रो हाइट आपको क्या रखनी है ठीक है रो हाइट कॉलम विड्थ वगैरह जितनी भी है तो अगर आप ऑटो रखेंगे ऑटो रो हाइट मीनस जितना भी डेटा उसमें रो में होगा उसके हिसाब से वो उसको असेंबल करेगा हाइट को इसको ना रो हाइट को ठीक है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक डेमो यहाँ पे इस रो को सेलेक्ट कर देते हैं टू थाउजेंड जो है इसमें मैं फॉर्मेट में रो हाइट को सिलेक्ट कर देता हूँ तो अभी जो है वो है ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव इसकी हाइट ठीक है अगर मैं ट्वेंटी फाइव कर देता हूँ ट्वेंटी फाइव देन आई विल प्रेस ओके तो यहाँ पे आपको विडिथ दिखाई दिया कि थोड़ा इंक्रीज हो गया इन मैसेज इन मतलब इन कंपैरिजन टू अदर्स ओके सो दिस इज़ सिंपली अबाउट इंक्रीजिंग द रो हाइट अगर आप कॉलम विडिथ आप इंक्रीज uh, करना चाहते हैं अभी ट्वेंटी पॉइंट फोर थी है अभी मैं थर्टी कर देता हूँ आप टू जो यहाँ पे टू थाउजेंड है वहाँ पे ध्यान रखिएगा ओके okay? तो कॉलम विडिथ भी आपकी जो है इंक्रीज़ हो गई ठीक है यहाँ तक क्लियर है आपका फॉर्मेट हो गया हमारा कि डिफरेंट रिनेम शीट करना है वगैरह यहाँ पे आप बहुत सारी ऑप्शन उप्ष, ऑप्शन आपको मिलेंगे ये आप एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे बहुत इजी है मैं आपको मोटी मोटी बातें और जो इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएंगी वो चीज़ें बता रहा हूँ बाकी तो इसमें बहुत सारा चीज़ है ठीक है अगर इस पर हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिर तो ये बहुत मतलब बहुत वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे अगर इसमें इन छोटी छोटी चीज़ों में से हम ये सारी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने पर बैठ जाएँ ठीक है लॉक सेल है यहाँ पे ये यह आप देखेंगे कि अगर हम सेल को लॉक कर देते हैं लॉक द सिलेक्टेड सेल टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू देम उस सेल में आप चेंजेस फिर नहीं कर सकते हैं ठीक है वो सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं तो ये था ऑल अबाउट सेल्स सेल्स के रिलेटेड क्या था इंसर्ट सेल कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं और फॉर्मेट उसका चेंज कर सकते हैं कि साइज़ हाइट वगैरह रोस हाइट एंड ऑल दैट ये हो गया यहाँ तक नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमने मैंने बोला था आपको कि सेकेंड लेक्चर में हमने थोड़े से फार्मूलाज देखनी है एक्सल जो मोस्ट पॉपुलर है वो है एक्स फार्मूलाज uh, के रिलेटेड जब हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं डेटा पे तो सबसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एडिटिंग में तो यहाँ एडिटिंग पोर्शन में आपको सबसे ऊपर मिलता है ऑटो सम ऑटो सम मीनस आपके ऑटो सम में जनरली आप ये एरो से ही मतलब कर्सर से ही के सिलेक्ट कर सकते हैं ये आपके यहाँ पे मेन पांच बेसिक फार्मूलाज है मेन पांच बेसिक फॉर्मूलाज है ठीक है तो इन ये क्या है क्या चीज है ये ये हम यहां पे देखेंगे ठीक है कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं यहां पे क्लिक हो गया मेरे से तो यहां पे था 2000 ठीक है तो ये यहां पे मैं अभी सिलेक्ट कर देता हूं यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं टी ओ टी एल टोटल अगर मैंने इन सेलिंग प्राइस जो जितना है उसका सम करना है या कितना मैंने सेल किया है उसका सम करना है यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है उसका सम करना है तो फार्मूला है उसके लिए ध्यान से देखिएगा इक्वल टू एस यू एम ब्रैकेट ओपन आपका नंबर वन नंबर कॉमा नंबर टू कॉमा नंबर थ्री जितने नंबर उसको आपने ऐड करना है अगर आपके पास तो दो चार या पांच नंबर हैं तो उनको आप ऐड कर सकते हैं लेकिन हमारे पास अब पूरा रेंज है तो आप यहाँ पे प्लस जब आएगा वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक ठीक है ये आ गया मीनस ये यह आपका यहाँ पे सेल एड्रेस आ गया है ये जो दो टू डॉट्स है ये कोलन जो है ये डिटेक्ट करता है टू फ्रॉम टू मीनस डी टू डी टू जो ये सेल एड्रेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे D2 है ना D2 से कहाँ तक D8 तक आपने सम करना है देन मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ देन प्रेस एंटर आपका यहाँ पे टोटल सम आ जाएगा इन सब चीज़ों का सो दिस इज़ बेसिक फार्मूला यही चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर देता हूँ तो यही फार्मूला मेरे पास आ गई लेकिन ये रेंज क्या है सेल रेंज क्या है ए से लेके सी अलेवन तक मीनज इसने रो सेलेक्ट किया यहाँ तक लेकिन मैंने ये रो वाइज़ नहीं करना है अगर मैं अब सेल्स का करना चाहूँगा इस सब का तो यहाँ पे मैं कर्सर ले जाऊँगा इसको ड्रैग करूँगा और सी से टू एट आ जाएगा यहाँ पे एंटर करूंगा तो उसका भी क्योंकि सेम सेलिंग प्राइस है कॉपी किया था हमने तो एक ही आ गया है सो तो अगर आपने सेल रेंज में सेल, इसको सम करना है तो आप कैसे करेंगे इक्वल टू तो सम रेंज कहाँ से कहाँ तक या आप डायरेक्टली नंबर रख सकते हैं यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको देखिए इक्वल टू तो सम सिर्फ रेंज ही सिलेक्ट नहीं कर सकते आप कॉमा कॉमा भी मतलब कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं अगर आपके डिफरेंट वैल्यूज है देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैं इस सेल को दैन आई विल प्रेस कामा देन फाइव हंड्रेड को देन कामा देन इस सेल को ठीक है देन प्रैकेट क्लोज देन प्रेस एंटर तो इन तीन चीज़ों का जितने जिस जो सेल्स मैंने सेलेक्ट की उन चीज़ों का सम यहाँ पर हो गया ठीक है तो अगर आप रेंज सेलेक्ट करते हैं फ्राम तो वो जो कॉलन है वो यूज़ करेंगे अगर डिफरेंट सेल्स को ऐड करना है तो कामा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेल एड्रेस नहीं है डायरेक्टली आप नंबर्स को करना चाहते हैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली टू थाउजेंड कामा 2000 थाउजेंड काम बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ देन प्रेस एंटर तो 4000 आ गया यहाँ पर ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक फार्मूला दैट इज सम कैसे करते हैं तो हर फार्मूला देखो यहाँ पे मैं एम सी टाइप के क्वेश्चन को आप एवरी फार्मूला स्टार्ट इन एक्सल विद द साइन इक्वल एवरी फार्मूला इन एक्सल स्टार्ट विद द साइन इक्वल टू याद रखना है आपको क्लियर है यहाँ तक तो ये था सम होगा हमारा ऑटो सम ठीक है तो ये हमने सम का देखा अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है एवरेज ठीक है एवरेज अगर हमने करना है इन सब में से एवरेज कितना वैल्यू एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल टोटल नंबर डिफरेंट मतलब यहाँ पे हमने uh, कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे सात प्रोडक्ट्स इन सब का सम होगा डिवाइड बाय सेवन होगा वो एवरेज होता है कि एवरेज में हमने सेल कितना किया है एंड ऑल दैट ठीक है तो वो चीज़ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एरो पे देन एवरेज पे क्लिक कर सकता हूँ तो यहाँ पे आपका एवरेज जो आ गया है वो इस सेल से इस सेल देखो वो सेल सेलेक्ट होती है खुद से ही यहाँ से यहाँ तक इसको रेंज आ गया लेकिन मैंने इसका एवरेज नहीं देखना है मैंने किसका एवरेज देखना है यहाँ से यहाँ तक डी टू टू डी एट दैन आई विल प्रेस एंटर तो आपका जो एवरेज है थ्री थ्री 17.142857 तो ये आ था आपका एवरेज एवरेज आ गया हमारा जैसे हमने आग, आगे स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेना है स्टूडेंट मार्क्स एंड ऑल दैट वो वहाँ पर भी आप एवरेज निकाल सकते हैं कि एवरेज में कितने हैं देन एवरेज के बेसिस पे हम ग्रेड्स दे सकते हैं वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑल दैट उसमें अप्लाई करेंगे आगे बहुत फार्मूलाज और भी है जो हम अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी दो फार्मूला जो है क्लियर हो गई एक था सम इक्वल टू सम और इसका क्या है इक्वल टू एवरेज देन रेंज जहाँ से कहाँ से कहाँ तक या डिफरेंट नंबर्स आप जैसे साम में हमने कॉमा ले कर किया था वैसे ही कर सकते हैं या डायरेक्टली रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट एवरेज नव थर्ड फार्मूला इज़ काउंट नंबर्स काउंट नंबर्स मीन्स ये लिस्ट तो अभी हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे आईडी नंबर है सेवन प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं सेवन सात सात सेल्स हमने की है लेकिन अगर बहुत बड़ा लिस्ट है तो कैसे हम काउंट करें या डिफरेंट तो सिर्फ वो चीज़ें हमने काउंट करनी है जो ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड एंड ऑल दैट तो वहाँ पर हम काउंट यूज कर सकते हैं जनरली जब बड़ा लिस्ट हो तो 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 यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट देन ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मैं रेंज कर सक सेलेक्ट तो, कर दूँगा कितने हैं हमारे पास तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ देन प्रेस एंटर तो यहाँ पे आपका आ गया काउंट तो इस, इसने इन सब को काउंट किया कि कितने हैं एक्चुअल में तो सात हैं तो सात हम आपका यहाँ पे हो गया इसमें भी आप वैल्यू वन का वैल्यू टू भी यूज़ कर सकते हो और रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा थर्ड फार्मूला दैट इज काउंट ईजी है फार्मूलाज इक्वल टू काउंट इज़ यूज टू काउंट द नंबर्स कितने नंबर थे ठीक है अब आपका आ गया है मैगजिमम एंड मिनिमम वो चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ ठीक है मैक्सिमम एंड मिनिमम का क्या है कि देखिए हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स की सेल की है इनमें से सबसे महंगा प्रोडक्ट जो मैंने बेचा है सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है सबसे मैक्सिमम प्राइस किसका है वो हम अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा देन प्रेस मैगज एम ए एक्स ब्रैकेट स्टार्ट तो मैं रेंज इसमें भी सिलेक्ट कर देता हूँ ठीक है रेंज यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2000 जो है वो मैक्सिमम सॉरी ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो मैक्सिमम है ठीक है तो ये था मैक्सिमम अब अग, अब अगर हमने देखना है कि मिनिमम क्या है मिनिमम सिंपली अपोजिट है इसका एम आई एन देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेंज मैं फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम नंबर जो होगा इसमें से वो सेवेंटी है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है ये सिर्फ मार्केटिंग मार्केटिंग डेटा है आपके पास स्टूडेंट डेटा है इंफॉर्मेशन जितनी जैसी भी इंफॉमेसन जैसा भी डेटा आपके पास है उस पर आप ये चीज़ें डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं तो दीज वेर आवर बेसिक फाइव फार्मूलाज वन इज़ सम ऑटोसम देन वी हैव काउंट एवरेज मैक्स एंड मीन फाइव फार्मोलाज वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो दिस वॉज वेरी ईजी आप होप आपको समझ आया होगा इसको इन चीज़ को हम रिपीट करने वाले हैं अगले वीडियोज़ में भी कि कैसे इसको डिफरेंट स्नैरियोज़ में हम आ, आ, मतलब अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा ऑटो ये सम फार्मूला मतलब डिफरेंट मेन बेसिक फाइव फार्मूलाज ठीक है और भी हैं और आ, आगे है जो हम एडवांस फार्मूलाज अप्लाई करने वाले हैं वो आगे हम देख लेंगे ठीक है नाउ कमिंग टू फिल व्हाट इज फिल कंटिन्यू ए सीरीज और पैटर्न इनटू टू ए नेबरिंग सेल्स इन एनी डायरेक्शन लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यह जैसे यहाँ पे था जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर था ना आईडी नंबर तो यहाँ पे जब प्लस आता है स्माल तो मैं फिर ड्रैग कर देता हूँ तो कंट्रोल अगर मैं करता हूँ तो सीधे इंक्रीज होता है टू थ्री फोर एंड वन जैसे यहाँ पे सेवेंटी है ठीक है अगर मैं प्लस कर देता हूँ इधर की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो हर सेल में जो यहाँ से राइट साइड में है वो 70 आएगा या नीचे करूँगा नीचे भी 70 आएगा लेकिन नीचे मेरा डाटा पड़ा है उसमें हम मुझे ज़रूरत नहीं है और फॉर्मेटिंग भी उसी के हिसाब से देखो बॉर्डर भी आ गया इसका ठीक है तो ये फील्द अब अगर यही चीज़ आप यहाँ पर माउस की वजह से करना चाहते हो डाउन राइट अप लेफ्ट जहाँ से भी आप सेम चीज़ लाना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन बताया ड्रैग बहुत बो, इजी है क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली लाना है डायरेक्टली लाते हैं आप तो फिर आपका सिंपली वो आएगा जो नंबर है वही रिपीट हो जाएगा अगर आपने इंक्रीज़ करना है किसी भी चीज़ में तो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उसी हिसाब से इंक्रीज होगा ये सिर्फ नंबर में नहीं होता डेट टाइम एंड ऑल दैट उसमें भी इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है यहाँ तक वह हो गया फिल कैसे करना है तो वो हमने देखा जैसे आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा ही देते हैं फिल राइट कर देता हूँ मेरे ढाई जो यहाँ पर लिखा है सिलेक्टेड सेल ये इसमें भी आना चाहिए तो फिल राइट फिल uh, राइट right पे क्लिक सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फिल राइट जो इसके इसमें है द, uh, मतलब एडजेसेंट सेल में होगा वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी दैट इज़ फेल ओके राइट डाउन लेफ्ट आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं देन वी हैव क्लियर क्लियर का क्या मतलब है, क्लियर ऑल मीनस सारा डाटा क्लियर ऑल अगर है तो फॉर्मेटिंग जितनी भी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी ठीक है नहीं अगर आपकी सेल्स अभी सिलेक्टेड ही नहीं है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कोई चीज़ देखो यहाँ पे मैं ये टेबल अपना सिलेक्ट किया देन आई विल प्रेस क्लियर क्लियर आ तो सारा क्लियर हो गया ठीक है कंट्रोल जेड अंडू कर देते हैं क्लियर फॉर्मेट्स क्लियर फॉर्मेट्स देखना आप ध्यान रखना है यहाँ पर देखिए फॉर्मेट मैंने बोल्ड इसको रखा है स्पॉन्ट साइज इंक्रीज किया है डिफ़ॉल्ट गहरा होता है और स्टाइल भी चेंज किया है अगर मैं फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहूँगा इसका तो यहाँ पे मैं क्लियर फॉर्मेट देखिए डिफॉल्ट जो नंबरिंग सिस्टम है वाटर वाटर सब कुछ हट गया सिर्फ आपका डेटा रह गया है वहाँ पर ठीक है हो गया यहाँ तक क्लियर आपका क्लियर क्लियर uh, का क्लियर फॉर्मेट क्लियर कंटेक्ट्स क्लियर क्लियर हाइपर अगर कहीं पे होगी वो uh, जो है रिमूव हो जाएगी ठीक है यहाँ पे एक चीज़ औ, uh, और बताना चाहूँगा मैं जैसे हमने कल नेम बॉक्स का देखा था कि यहाँ पे देखो जी आ रहा है अभी मीनज यू आर यूर सेल इज द सिलेक्टेड सेल राइट नाउ इज जी जो यहाँ पे है जी एलेवन और इसमें हमने देखा था फार्मूला बार देखो फार्मूला बार में हमने देखा था वो जो चीज़ जिस सेल पर आप क्लिक करेंगे उसका जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ठीक है टेबल आ रहा है यहाँ पर लैपटॉप पर क्लिक करूंगा फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड पर लेकिन ये फार्मूला बार है देखो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है टू थ्री टू डबल डबल टू जीरो है ये वैल्यू यहाँ पे लेकिन वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे इसके पीछे जो फार्मूला लगाई गई है वो आ रही है ठीक है अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फार्मूला है पीछे से हाँ आपको डिस्प्ले तो नंबर हो रहा है लेकिन है तो फार्मूला ही ठीक है तो यहाँ पे आपका इसको हम इसीलिए फार्मूला बाहर बोलते हैं क्योंकि इसमें फार्मूला दिखती है अगर वैल्यू होगा तो वैल्यू भी दिखता है लेकिन फार्मूलाज एक्चुअल में ये दिखती है ठीक है होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा अब लास्ट है शॉर्ट एंड फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर मैंने स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट कोई चीज़ आप शॉर्ट करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर मैं इस सेल को रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ देखो अब यहाँ पे मैं फिल्टर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट मैंने सबसे पहले स्मॉल आएगा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा एंड ऑल एंड सॉन ठीक है इसको मैं क्लिक करूंगा एक्सपेंड दिलेक्शन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन शॉर्ट देखिए पहले सेवेंटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया असेंडिंग और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है ठीक है पहले तो लार्जेस्ट आएगा फिर सम्मालेस्ट आएगा इस कस्टम सॉर्ट या फिल्टर डिफरेंट फिल्टर्स हम आगे भी देखने वाले हैं तो ये वो चीज़ है यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहते हैं आप कोई तो वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई सी सेलेक्ट एंड ऑल एंड यहाँ पे डिसलेक्ट कर, अप, कर सकते हैं शॉर्ट बाई कलर एंड ऑल वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर एंड ऑल ठीक है तो ये था हमारा शॉर्टिंग एंड ऑल देन वी हैव लास्ट वन फाइंड एंड सेलेक्ट फाइंड टू फाइंड एंड सेलेक्ट शॉर्ट कट इस कंट्रोल प्लस एफ याद रखना है कंट्रोल प्लस एफ जो वर्ड में भी है था वो यहीं पर यहाँ पर भी है ठीक है कंट्रोल एफ मैं जब प्रेस करूंगा तो ये मुझे अगर बहुत बड़ा एक्सल शीट है बहुत सारा डेटा है इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है इसमें ठीक है अब मैं कोई पर्टिकुलर चीज यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ जैसे टी ओ टी ए एल टोटल मैंने देखना है कितना है तो फाइंड नेक्स्ट करूंगा मैं सेल को सिलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल एफ देन टोटल फाइंड ऑल देखो यहाँ पे आ गया बुक्स फॉर टोटल है सेल एड्रेस भी आ गया इसका शीट वन बुक वन कहाँ पे है यहाँ पे, है ठीक है इसी तरह फाइंड ऑल किया, फाइंड नेक्स्ट एक ही है अगर दो तीन जगह टोटल होता तो वो भी हमें दिखाई देता तो दिस वॉज ऑल फाइंड नेक्स्ट टोटल हमारा दिख रहा है यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर रिप्लेस का सेकेंड टैब जो है वो यहाँ पर रिप्लेस का है अगर मैंने टोटल को किसी चीज़ से रिप्लेस करना है किसी भी आइटम को रिप्लेस करना है सारी जगह फाइंड ऑल फाइंड नेक्स्ट कर देते तो अगर आपने एक चीज़ एक जो पहला वाला होगा वही चीज़ रिप्लेस करना तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्लीट आ गया अगर बहुत जगह एक ही चीज़ है वो आपने गलती से कोई चीज़ भरी है तो सारा कुछ रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस हाल पे क्लिक करेंगे तो हर जगह वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी सो शॉर्टकट फॉर दिस इज़ कंट्रोल एफ़ एंड इसी में आपका रिप्लेस भी आ जाता है ठीक है तो इसके साथ ही हमारा ये जो होम टैब uh, है वो कम्प्लीट होगा विदाउट दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें हमने फार्मूलाज देखी डिफरेंट सम एवरेज एंड ऑल दैट वो हमने यहाँ पे कवर की है। तो बाकी चीज़ जो इंसर्ट टैब है वो हम कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नेक्स्ट वीडियो में देख देखेंगे ठीक है तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको सीखने को मिल रहा होगा बिल्कुल हम बेसिक्स से, से जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर हाँ चीज़ को तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच